One of the top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. बोले नहीं ऐसे नारे नहीं लगाओ मन का ये कौन सा तरीका है भी नारे नहीं लगाएंगे एक हमने किसान तो नारा उनका हथियार होता उनकी शक्ति होती हमने एक नारा लगाया वार्ता करने के लिए जा रहे हैं इसमें कौन सा गुनाह हो गया बोले नहीं ऐसे नहीं जाओगे आप खैर गेट बंद कर दिया बोले 2 बजे का टाइम है 2 बजे ही जाओ और 5 या 11 लोग जाएंगे उससे ज़्यादा नहीं जाओ मसला ये है कि प्राधिकरण प्रशासन का रवैया वही सीओ जो पीछे हर एक गाँव में किसानों के पीछे पीछे घूम रहा था उस वक़्त के DM भी पीछे पीछे घूम रहे थे और आज ये नौबत है कि हम मिलने जा रहे हैं उनसे तो गेट लगा रहे हैं सभी किसानों ने फैसला कर लिया कि हम यहीं बैठेंगे और सीओ DM यहीं आएंगे तभी हम जाएंगे किसानों की बात को देखते हुए कई बार उन्होंने कोशिश की कि भाई उठ जाओ पूरा प्रशासन आ गया प्रशासनिक अधिकारी आ गए उन्होंने खूब गुमराह करने का कोशिश किया लेकिन किसान वहाँ डटे रहे अंत में फैसला ये लिया कि अगर हमारा कल से जो 64% है उसको मुआवजा शुरू कर दे आबादी के निस्तारण जो रह गए जिनके हो गए पूर्णतः समाधान उसका को हमें लिखित में डेट जल्दी में आश्वासन नहीं परिणाम के रूप में और 10% इन समस्या को लेकर आप लिखित में हमें देते हो तो हम वार्ता करते हैं अन्यथा नहीं करें सीओ साहब का अंदर से आदेश आ गया कि हम लिखित में आपसे वार्ता करेंगे हम लिखित में देने को तैयार है वहाँ किसानों की तरफ से तय कर दिए गए लोग अंदर गए अलग अलग बात हुई तो उन्होंने कहा हम लीज का रोस्टर बना देंगे जो पेपर में आपके सामने आया है उसके बाद 27 तारीख से ये कहा कि जो गांव रह गए हैं जो किसान रह गए हैं उनकी डेट लगाना शुरू कर देंगे और जिस गांव का 80-90% मुआवजा उठ जाएगा उस गांव को हम 10% लगा देंगे काफ़ी देर बहस 10% तो हुई उसके बाद में माने और 5 सितंबर तक बारिश आन कर आपको जो है समस्या का समाधान कर देंगे ये मोटी मोटी 4 बातों पर बात हुई यही मेरे ख्याल से मुद्दे हैं जो पिछले 2-3 साल से क्या 10 साल से किसान परेशान हो रहे अभी 30 तारीख को जब हम मिले दोबारा ACO से तो हमने कहा कि आप ये बताइए कि 27 तारीख से गांव लगने थे कि कौन सा गांव लगाया चुप हमने कहा लीज की आपने बात हुई थी कि जो फाइल लगेगी और जो अतिरिक्त जो मुआवजा 64 वाला उसको उठाना नहीं पड़ेगा वो शपथ पत्र पे और जो उसका नक्शा 11 बनता है उसी के आधार पे आप काट लेंगे ये बात तय हुई थी तो आप चिट्ठी भेज रहे हैं गाँव में कि पहले 64% का मुआवजा उठाइए उसका प्रमाण पत्र दे तो ये तो तय नहीं हुआ था